देखो कैंडिडेट बीएड विच जिहड़े टेस्ट देना चाहते हैं वो बार बार पूछ रहे हैं सर वीडियो का एक लिंक की लिस्ट बना दो ता जो असी ईजीली सर्च कर सकी। वो लिस्ट मैं इस वीडियो के नीचे भी दी है, बाकी वीडियो के नीचे भी दे रहा हाँ। सो लिस्ट किस तरह दिती गई है, तुसी किस तरह पढ़ना है ये सुन लो। ये सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो तुहानू कढ़ के दस रहा हाँ। जिन्हें वीडियो के अगे UGC लिखा है डरना नहीं है, बीएड नाल ओवरलैपिंग है, तुसी इन्ना कर सकते हो। टाइम घट है जां घट समा है और एनर्जी घट है तो तुसी उन्होंने पहले 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन देख लो। वो क्वेश्चन बीएड लैवल दे ही होंगे आ, रिपीट आते हैं, बाकी बीएड लिए ही बनिया हुई वीडियो ने। प्रैक्टिस सैट है, ये लिंक आएगा, प्रैक्टिस सैट पढ़ो, ये लिंक जिहड़ा भी है होर भी आ जाएंगे ये ऐड होंगे रहेंगे। सो इन्हों जरूर देखो, ये लेटैसट उसके मुताबिक बनाया गया, सिलेबस के मुताबिक है, पैटर्न के मुताबिक है, और वो क्वेश्चन चुने गए हैं जिहड़े मैक्सीमम रिपीट होंगे है जां आ जाते हैं जां आने की संभावना बनती ही बनती है। दूसरा GK ऑन एजुकेशन एंड टीचिंग पोटेंशियल, इस दियाँ GK दियाँ है, इनू टीचिंग पोटेंशियल दियाँ इसलिए लिख दिता है क्योंकि GK के कुछ क्वेश्चन एजुकेशन के टीचिंग पोटेंशियल भी आते हैं, ओवरलैपिंग है। पार्ट 1, पार्ट A ते पार्ट B जिहड़ा एंट्रेंस टेस्ट है वह रिपीट हुंदा है। सो तुसी इस नूं जिदा फॉर एग्जाम्पल कोठारी कमीशन है, RTE एक्ट है, सर्व शिक्षा अभियान है, स्वयं प्रभा है, दीक्षा है, निष्ठा है, नैशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। सो ये सारिया वीडियो का फायदा इधर इस पेपर च भी है, इस पेपर च है क्योंकि राजे तुसी सिंपल दे देखो कि तुसी बैचलर ऑफ एजुकेशन करन जा रहे हो, BEd सो एड एजुकेशन है, एजुकेशन का सारा कुछ पूछा जाएगा। एजुकेशन सब तो पहला काम तो डकी होएगा टीचिंग करना कि पोटेंशियल की तुसी अच्छे टीचर बनन दे काबल, थोड़ी बहुत नॉलेज तो तुहाडी है। दैट इज़ वाई रिपीटेड क्वेश्चन ने इन्हों देख लेना चाहिए हैं जिहड़ा तुहानू एक एक करके क्लिक होंदा है। जिहड़ा बोरिंग है, अच्छा नहीं है, मैनू जरूर कमेंट करो सर इस तुसी नकम्मा पढ़ाया है, मैनू नैगेटिव फीडबैक जरूर दिओ। ते जे फायदा नहीं वीडियो का हुंदा तुसी दसो कि इस तरह के बनाओ, इस तरह करो, मेरे को टाइम घट है लेकिन बनावांगा जरूर। सो वीडियो ऑन रीजनिंग है ना, ये जो लिंक दिए गए हैं ये दो तरह की वीडियो है, एक तो ब्लड रिलेशन है, ये मैं वो वीडियो ने जिन्हें बार बार कहते सर ये सॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चन तो अलग वीडियो बना दो, तीन वीडियो वो ने है ना, होर वीडियो भी बना के पावांगा। तो बाकी जेडे पिछले साल विच मेंटल एबिलिटी दे पेपर क्वेश्चन आए ने वो सॉल्व किए आ, वो ये नीचे सारे आ, ये सारे सॉल्व करो। मेरे ख्याल ज़्यादा इस तो ज़्यादा पढ़न की जरूरत नहीं पेगी। हाँ मैं अपडेट नाल नाल तुहानू करदा रहांगा। सो इस तो इलावा इंग्लिश दे नॉर्मली पिछले साल दे पेपरां दे विच सिर्फ इंग्लिश का पोर्शन किद्दां सॉल्व करना, उहदियां स्ट्रैटेजीज़ की ने, वो इत्थे लिंक दिते गए ने है ना, इत्थे तक ने। पंजाबी दे जे तुहानू लगता है कि तुहाडी पंजाबी की मास्टरी है, बेशक ये ना देखो पर अंदाजा हो जाता कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सो पंजाबी इंग्लिश ते पंजाबी लई अडिशनल ये है कि ज़्यादा चिंता है तो एक बार 6वीं 7वीं 8वीं की कोई ग्रामर की थोड़ी थोड़ी किताब देख लो, वोकैबलरी का कोई अंत नहीं है, वोकैबलरी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लो। इस दे बिना एक वीडियो पा दाँगा जिहदे विच तुसी पेपर नूं सॉल्व किद्दां करना है, MCQ नूं गैस वर्क किद्दां लगाना है, नैगेटिव मार्किंग क्योंकि नहीं है, और रैशनल गैस किद्दां लगाने हैं। 12 स्ट्रैटेजीज़ ने, उन्हां चों 3-4 स्ट्रैटेजी तुसी अपनानियां हैं। इस तो इलावा 2022 का पेपर का अनैलिसिस किया पिया है, मेरा टाइम नहीं लग रहा, वो पा दाँगा कि किस तरह उहदे विच की गलतियां रही हैं, जिहड़ियां गलतियां जे रिपीट होंदियां हन उह बिना ज्ञान तो तुसी उहदा आंसर लभ सकते हो। सो इस तरह तुसी तैयारी कर सकते हो, फिक्र नहीं करना, मेहनत सब कुछ होंदी है, फोकस ऑन पॉजिटिव मेरी वीडियो के हर उपर लिखा होंदा है, वो साढ़े सारे लिए है, मेरे लिए भी है। थैंक यू डॉक्टर धीरज सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।